गुड आफ्टरनून ऑल। सब लोग लेक्चर देखे हुए हैं क्या? यस सर। तो फिर वैसे ही मोटिवेटेड हो तुम लोग, है कि नहीं? यस सर। चलो तो कितने लोग आईटी की तैयारी कर रहे हैं इसमें? कुछ नीट वाले भी हैं क्या? अच्छा, इक्के दुक्के हैं नीट वाले भी। मेडिकल वालों को वैसे ज़्यादा संघर्ष रहता है, ऐसा है क्या? अभी भी पढ़ना पड़ता है, बाद में भी पढ़ना पड़ता है? आईटी वाले तो अभी पढ़ते हैं, बाद में तो पढ़ते हैं ही नहीं। हाँ, तो कई लोग कह रहे हैं सर मैं तो अभी भी नहीं पढ़ रहा। चलो खैर, तो मेरे को एक घंटे का समय दिया गया है, एक घंटा आधा घंटा मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। लेक्चर्स आप सब लोग देखते रहते हो, लेक्चर्स के बारे में बताऊंगा कि हाउ इफेक्टिवली यू विल यूज़ इट सो दैट यू कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इनटू आईटी जेई। लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी लोग जानते हो कि मैं भी आईटी सेलेक्टेड हूँ, कोटा से मैं पला पढ़ा हूँ, यहीं से मैंने तैयारी करी है, तो मैं शायद आपको ज़्यादा अच्छे सजेशंस दे सकता हूँ कि कोटा में रहकर हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। सेकेंड बात, हमें क्या क्या और ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। आप सब लोग बैठ जाएँ प्लीज़, क्योंकि अभी थोड़ी देर तो बोलूँगा मैं, सुनोगे ना थोड़ी देर तो? रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है सब लोगों का, गुड। तो लेक्चर्स की बात तो अपन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी ध्यान करेंगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू गेट सिलेक्टेड और क्या इंपॉर्टेंस है एक अच्छी डिग्री की, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा मोटिवेशन हमारे लिए रिक्वायर्ड है, कितनी मेहनत हमें करनी चाहिए। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं उम्र में थोड़ा बड़ा लगता हूँ पर हूँ नहीं, आप ही की है ना। तो ऐसा नहीं कि आप मेरे को ऐसे देख रहे हो कि मैं आपके फादर की उम्र का हूँ। आप 2003 में ही मैंने आईटी क्लियर करी, आप ही की तरह मैंने यहाँ से तैयारी करी। तो जिस तरह की मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में तकलीफें देखी, मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाले बच्चे या जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं या जिनको भी मेरा सानिध्य प्राप्त है, वो सभी बच्चे उस तरीके की तकलीफ ना देखें। अच्छा, और भी बच्चे हैं, आ जाओ। वैसे जो भी क्लास में लेट आता है उससे हम 20 रुपए फाइन लेते हैं भाई। आज भी ले ली जाएंगे क्या? लड़कों में मत ढूंढो, सब एक जैसे हैं। चलो, तो बात कर रहा था मैं इस बात की कि हाउ इंपॉर्टेंट इज टू गेट अ गुड डिग्री। पहली बात, मेरा सबसे पहला प्रश्न बच्चों से रहता है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो कि अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो? अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की इंडिया में कोई कमी नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस में भी आप बहुत सारे डोनेशन देके जा सकते हो, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट वी विल गेट सेलेक्टेड इनटू अ गुड कॉलेज। एक टॉप एनआईटी या टॉप आईटी में हम जाने चाहिए। एक अच्छी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आज से 6-7 साल पहले एक कंपनी थी लॉरेंस एंड टर्बो। कौन सी? अभी भी कंपनी हो, L&T सुना है क्या? L&T ने बैंगलोर में अपने बैंगलोर सेंटर के बाहर उन्होंने एक एनालिस्ट इंजीनियर की पोस्ट निकाली। करीब 300-400 एनालिस्ट इंजीनियर थे जिनसे वो पढ़ना चाहते थे, जिनको लेना चाहते थे। एनालिस्ट इंजीनियर की उन्हें पोस्ट निकाली, उन्हें लगा जो आएंगे उनको इंटरव्यू कर लेंगे, इंजीनियर ही आने वाले। उन्होंने बेसिकली जो भी इंटरव्यू रखा वो ओपन टू ऑल रख दिया। क्या रख दिया? ओपन टू ऑल। और उन्हें नहीं पता था कि इतना रेस्पॉन्स आएगा, और उनके ऑफिस के बाहर 10,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई। कितने लोगों की? 10,000 इंजीनियर्स खड़े थे उनकी कैंपस के बाहर, बैंगलोर में बता रहा हूं मैं आपको। 10,000 इंजीनियर्स का जाहिर सी बात है कि वो इंटरव्यू नहीं ले सकते थे। उनके जो भी मैनेजर थे उन्होंने बोला कि जो भी इनमें टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बच्चे हैं, जो भी टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बच्चे हैं उनको रख लीजिए, बाकी सबको घर। जो घर भेजे गए क्या वो खराब थे? हो सकता है उनमें से कुछ अच्छे हों, पर उन्हें चांस सिर्फ उनको मिला जिनके पास अच्छी डिग्री थी। सिंपल। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री ही सिर्फ मापदंड है कि आपको इंटेलिजेंट हो या इंटेलिजेंट नहीं हो, या ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स ही सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। पर क्योंकि हमने सोच लिया कि हमें करना है तो फिर हमारे पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए। जो फेंके गए वहां से रिज्यूमे बाहर, उनमें बहुत सारे बच्चे अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि खराब थे, पर उनको चांस नहीं मिला। मैं अपने बच्चों से जब भी आता हूं तो उनको कहता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है एक डिग्री की। मैं उनसे सिंपली पूछता हूं कि मैं आपको एक टीचर प्रोवाइड करूं, दो टीचर बाहर खड़े हैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं या मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, उनमें से एक BSc और एक MSc है और एक IITN है, आप किससे पढ़ना चाहोगे? आपने चांस ही नहीं दिया BSc वालों को। तो मैं ऐसे बहुत सारे टीचर बता सकता हूं जो BSc करे हुए पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर आपने चांस किसको दिया? IIT वाले को। आपने चांस ही नहीं दिया नॉर्मल वाले को। जब आपने ही चांस नहीं दिया नॉर्मल इंसान को, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि दुनिया आपको देगी? इसलिए प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक अच्छी डिग्री हमारे जीवन में बहुत महत्व
रक्त ही। एक मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं अगर हम लोग, मैं बहुत मध्यमवर्गीय परिवार से आता हूं, मुझे पता है कि आज आप एनवी सर सुना होगा आपने 10 जगह, मैं भी 10 जगह सुनता हूं, अच्छा भी लगता है सुन के। कोटा से ही पढ़ा बढ़ाऊँ, बहुत मध्यमवर्गीय परिवार से हूं, बंसल क्लासेस से मैंने पढ़ाई करी थी। मेरी फीस जब जमा हुई तो मुझे पता है कि मेरे पिताजी ने 2 रुपये सैकड़े पे ब्याज पे पैसा लिया और वो फीस जमा करी। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि कोटा में आपके पिताजी ने आपको पढ़ने भेज दिया। अगर मैं कोटा का रहने वाला नहीं होता तो मेरे पिताजी मुझे पढ़ने बाहर नहीं भेज सकते थे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आप उन बहुत कम बच्चों में से हो जिनको चांस मिलता है यहां के पढ़ने का। चाहे आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, सब बढ़िया है यहां पे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड बिकॉज ऑफ कंपटीशन। आपको चांस मिला है, मुझे नहीं मिलता अगर मैं नहीं होता तो, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी फीस ही जो पहली इंस्टॉलमेंट भरी, सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने उनको बोला कि आप 15 दिन का मुझे टाइम और दीजिए, वो मुझे नहीं दिया गया, मुझे आज तक याद है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें आगे बढ़ना है तो, बिना मेहनत करे हम आगे बढ़ने वाले नहीं। आ जाइए आप लोग। तो मैंने एक पहली बात बोली, क्या हमारे जीवन में एक अच्छी डिग्री बहुत महत्व रखती है? Yes, हम आज के इससे आप लेक्चर्स में तो पूरा फिजिक्स मेरे बारे में देखते ही हो, फिजिक्स आप सुनते भी हो, उसमें आपको और क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं एंड में आपको बताऊंगा, पर कम से कम 5-7-8 चीजें हम आज सीख के जाएंगे। मेरे को कम से पढ़ाते हो 13 साल हो गए, लगातार मैं पढ़ा रहा हूं। मैं अपने बच्चे को बार बार ये बोलता हूं कि आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा वो हैं जो आपके बारे में सोच सकते हैं, जो आपके बारे में और सबसे भला आपके बारे में सोचते हैं। पर मैं वो हूं जो आपके बारे में भला भी सोचता हूं और शायद आपको सबसे ज्यादा अच्छे से गाइड भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं निरंतर पढ़ा रहा हूं और यहीं से प्रिपेयर करा हुआ हूं। तो आपको पता पड़ता है मुझे कि बच्चे का क्या माइंड सेट है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो गलतियां मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में करी वो आप दोहराओगे नहीं, वरना पढ़ने का क्या फायदा हुआ? हमने सुना भाई ठोकर खाने से सीखते हैं, अरे पर ऐसी ठोकर क्या खानी जो 10 लोग खा चुके हैं? क्योंकि ठोकरें तो बहुत सारी हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हम ठोकर खा के सीखते हैं, अगर ठोकर खाकर सारी ठोकरें हमें नहीं खानी है, हमें वो ठोकर खानी है जो शायद किसी ने नहीं खाई हो। हमें पास वालों से सीखना है, अपने टीचर से सीखना है, अपने लोगों से सीखना है कि अच्छा भाई इन्होंने ठोकर खाई है, हम ये वाली ठोकर खाएंगे नहीं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जो गलती उसने करी थी उसकी प्रिपरेशन के दौरान, वो गलती हम दोहराएंगे नहीं। तो पहली बात, हमारे पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए। अब बात आती है हमारे पास अच्छी डिग्री कैसे होनी चाहिए। पहली बात, अच्छी डिग्री लाने के लिए हमारा डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड करेज। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड करेज, 3 चीजें हैं जो आपके जीवन में होनी अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो। कमिटमेंट तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब बिना कमिटमेंट के कुछ होने वाला नहीं। कमिटमेंट विद फोकस, अगर हमारा कमिटमेंट नहीं, मैंने सोच लिया कि मैं कोटा में आ गया, अब मेरा कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं यार मैंने सोच लिया मैं यही करूंगा, अब मैंने सोच लिया मैं भटकूंगा नहीं यार कोटा क्यों आ गया, शायद कहीं और चला जाता, मैंने इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन कर लिया, ये करता तो शायद अच्छा होता, इस टीचर से पढ़ता तो ये होता। आप अलग अलग इंस्टीट्यूट के हो, मेरे इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे नहीं हो, बट आप जिसमें भी पढ़ रहे हो मैं तो कह रहा हूं आपको अब उसी की तरफ पे अपना ध्यान रखना है, जो करा है वो बेस्ट है। अब अपने को डेविएट नहीं करना। हो सकता है लेक्चर के दौरान ने भी आपने कहानी सुनी हो, पर बचपन से मुझे कहानी सुनाई गई फोकस वाली, मैं दोबारा आपके सामने एक बार और रिपीट करता हूं। हमें कहानी सुनाई गई बचपन में कि भाई एक गांव में पानी नहीं निकल रहा था। क्या नहीं निकल रहा था? पानी। अब पानी निकल रहा तो गांव वाले बहुत परेशान थे कि यार पानी नहीं निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो सबने सोचा चलो कुआं खोदते हैं। क्या खोदते हैं? कुआं खोदते हैं। कुआं समझते हैं सब लोग? बहुत बढ़िया सब। कुआ खोदना चालू करा, किसी ने बोला यहां खोदो, किसी ने बोला यहां खोदो, किसी ने बोला यहां खोदो, चलो फाइनली डिसाइड कर लिया, फाइनली डिसाइड कर लिया कि यार यहां पे कुआ खोदते हैं। कुआ खोदना चालू करा, 20 फुट गड्ढा खोदा, परेशान हो गए पानी तो आ ही रहा। किसी ने बोला मैं तो पहले ही बोल रहा था मंदिर के पास वाले नीम के पेड़ के पास में खोदो तो पानी मिलेगा, तो चलो वहां खोद लेते हैं। फिर 20 फुट खोद लिया, फिर पास में किसने बोला 20 फुट खोदने के बाद यार यहां पे नहीं निकला, देखो मैं तो कह रहा था पीपल के पेड़ के नीचे निकलेगा, फिर वहां 20 फुट खोद लिया। ऐसे 5 जगह खोद लिया। कितनी जगह? 5 जगह। टोटल कितना हो गया? 100। मैथ चेक हो रही है? कितना हो गया टोटल? 100। किसी भले इंसान ने उनसे बोला कि अगर आप एक ही जगह 100 फुट गड्ढा खोद लेते तो क्या पानी निकल आता? अगर आप एक ही जगह 100 फुट गड्ढा खोद लेते तो पानी निकला। तुमने वो गड्ढा खोदना चालू कर दिया है कोटा आकर, अब पीछे मत हटना इससे। ऐसे नहीं आज ये पढ़ लेता हूं कल ये पढ़ लेता हूं, आज इस कोचिंग में कल उस कोचिंग पे, 11 से कोटा छोड़ दिया फिर 12th के पार चले गए। अगर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है तो फिर हम पीछे हटने वाले नहीं है। और ऐसा नहीं कि सफर में मुश्किलें नहीं आएंगी, 110% आएंगी,
इस सफर में मुश्किलें 110% आएगी। अगर कोई आपसे कहता है कि नीट और आईआईटी आसान है तो मैं उसे गलत कहता हूं। अरे जिस एग्जामिनेशन को 11 लाख बच्चे देते हो और मात्र 5,000 से 7,000 बच्चों को अच्छा कॉलेज मिलता हो, वो एग्जामिनेशन आसान नहीं, नहीं हो सकता है, तो भूल ही जाओ कि आसान है। पर क्या वो इतना टफ है कि हम उसे पार नहीं कर सकते? नहीं। ऐसा भी नहीं एक्चुअली। पर अगर हमने मन में सोच लिया कि हम नहीं कर सकते तो फिर हमें कोई भी पार नहीं। किसी एक बहुत अच्छे इंसान ने एक बात कही कि अगर खराब सड़क हो, अगर खराब तो हम अच्छा जूता पहन के दौड़ सकते हैं, अगर खराब सड़क हो तो हम अच्छा जूता पहन के दौड़। पर अगर हमारे जूते में कंकर आ जाए, हमारे जूते के अंदर कंकर आ जाए, तो रोड कितनी भी अच्छी हो हम दौड़ नहीं। ये जूता रूपी हमारा दिमाग है। अगर मुश्किलें आ रही है पर हमने ठान रखी है, हमारे अच्छा जूता पहना हुआ दिमागी दिमाग में कि नहीं मैं कर सकता हूं, पर अगर हमारे मन ने ही मान लिया कि मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर आप सेलेक्ट नहीं। दुनिया की कोई कोचिंग, कोई टीचर आपको सेलेक्ट नहीं। मैं तो बच्चों को एक बात कहता हूं, जब लोग बात कहते हैं, कई बार पेरेंट्स हमारे पास भी आते हैं, इतने बच्चे हमारे माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, हर साल में इतने बच्चों से मिलता हूं, उनके पेरेंट्स से मिलता हूं, बोलते हैं साहब आप गारंटी ले सकते हो क्या सेलेक्ट हो जाएगा? मैंने कहा गारंटी मैं नहीं ले सकता, गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। मैंने कहा अगर गारंटी ले सकता होता तो यहां पर इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है उनके खुद के बच्चे ही सेलेक्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कमी छोड़ी होगी क्या? अगर कोचिंग संस्थान ही सेलेक्ट करा देते होते तो इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के खुद के बच्चे सेलेक्ट नहीं। कोई अपने बच्चों की गारंटी भी नहीं। बच्चा खुद सेलेक्ट होता है, कोचिंग संस्थान थोड़ी कराती है। हम तो माध्यम है, आपको अच्छा टीचर प्रोवाइड कराते हैं, आपको अच्छा सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, किसी के यहाँ क्या अच्छा, किसी के यहाँ क्या अच्छा, हम आपको सिस्टम अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, पर हम आपके सिलेक्शन की गारंटी ले? आपके सिलेक्शन की गारंटी आप लोगे, हम नहीं।